मुंह खोलिए बाबा। मेरे सारे बच्चे मेरे पास नहीं है और उन सबकी जिम्मेदारी तुझ पर आ पड़ी है, ये जानते हुए मेरे गले से निवाल कैसे उतरेगा? बेटा आश्रम में तो सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है बाबा, पर आपको सच बताया तो आप और परेशान हो जाएंगे, इसीलिए सॉरी, पर हमें आपसे झूठ कहना पड़ेगा। वो ठीक नहीं है, शैतान के नाना है, कैसे ठीक नहीं होंगे? वैसे शैतानों ने आपके लिए गिफ्ट भी भेजे, ये देखो और भी है। आपको इनकी खुराफातों से ब्रेक मिला है और आप हो कि आराम करने की जगह दुखी हो रहे हैं। पापा, सब ठीक हो जाएगा। और हम आश्रम वालों की यही तो खासियत है कि सर्दी हो या गर्मी, हमेशा हिम्मत का शॉल ओढ़कर निकलते हैं। बहादुरी वाला हिम्मत, हाँ, वो तितली के क्लास में पढ़ने वाला हिम्मत नहीं। चलो, मिलने का वक्त खत्म हो गया। चलते हैं बाबा। ठीक है बेटा। आपने न जाने कितनों का हाथ थाम के उनकी किस्मतें संवार दी, पर हम आपकी किस्मत को आपसे रोकने नहीं देंगे। हम अपना आश्रम वापस हासिल करके रहेंगे और एक अच्छा वकील ढूंढ के आपको छुड़ा लेंगे। साल की तरह इस साल भी दिवाली में मेरे सारे वर्कर्स को एडवांस पेमेंट होना चाहिए और उनको अच्छा बोनस मिलना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे सारे वर्कर्स धूमधाम से दिवाली मनाएं। बेटा, बेटा तुम ठीक हो? मैं बचपन से ही अनाथाश्रम में पली, मेरे पास तो अपनों के नाम पर आश्रम में रहने वाले लोग ही हैं। ये तो वही है। गाड़ी तुम्हें देख के चलानी चाहिए, पानी लगाओ जल्दी। बेटा तुम ठीक तो? बेटा उठो, बेटा ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? मैं क्या नेचुरल एक्टर हूँ यार, टू गुड। बेटा पानी लाओ जल्दी। बेटा बेटा आके खोलो, बेटा आके खोलो। इतने सवाल, बैग खोल, फोटो निकाल, मुझे अपनी बेटी मान और अपनी सारी जायदाद मुझे दे दे जल्दी से। अबे आंखें खोल के देखना, आईडी उसी में था ना। सुनो, इसे जल्दी उठाओ, घर लेके चलना है, जल्दी करो, उठाओ। के स्वामी जी को छुड़ाना अब मेरे बस में नहीं है, इट्स इम्पॉसिबल। आप केस लड़ने से पहले कैसे हार मान सकते? सर, प्लीज आप एक बार कोशिश। मैंने बताया आपको, आई एम सॉरी। चलिए
सर। मैं जैसा बोलूंगा वैसा ही करना। जेल नहीं होगी इसकी गारंटी मेरी है। कैसे? सारे सबूत हमारे खिलाफ हैं वकील साहब। अर्जुन अवस्थी तुम्हारे साथ है, तुम बस फीस का इंतजाम करो, बाकी मुझ पे छोड़ देना। ठीक है, कितने पैसे? 50 लाख। 50 लाख? ए वकील, तुम जानते भी हो कौन है हम? एक मुजरिम जो जुर्म करने के बाद ठीक से भाग भी नहीं पाया। अगर तुम्हें कोई वकील बचा सकता है तो वो मैं हूं। By the way, फीस नॉन नेगोशिएबल है, मंजूर है तो बता दो। Yes, Puneet. हाँ बोलो। नहीं, आवाज़ प्रदीप, take care of the files. उससे पहले कि ये हमें देख ले और झगड़ा शुरू हो, हमें जाना चाहिए। Sorry. हाँ। जगह नोट उड़ाने वाला खड़ूस हमारी कभी मदद नहीं करेगा, किसी और को ढूंढना पड़ेगा। पर हम निर्दोष है, ये किन झूठा है? बाकी आप चिंता मत करो, अवस्थी साहब शहर के सबसे बड़े वकील हैं, वो ही हमारा केस लड़ेंगे। पर वकील बड़े हैं तो फीस भी बड़ी होगी ना, कहाँ से देंगे हम? वो बहुत अच्छे आदमी है, किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाते, वो हमारी हेल्प जरूर करेंगे। अंकल जी। जी मैडम। ये अवस्थी साहब कहाँ मिलेंगे? हम भी उन्हीं से मिलने आए थे, आज तो उनको जाना पड़ा, आप कल ही आइएगा। थैंक यू। हाय मम्मी, बस अब ये अवस्थी साहब बन जाए। बेटा, कैसा लग रहा है? अंकल जी, ऐसा ही लग रहा है जैसा सारी जिंदगी लगता है, अकेला। खैर, अब तो आदत पड़ चुकी है, पर आपके इस प्यार भरे घर में थोड़ी देर और रुकी तो इस अनाथ की आदत बिगड़ जाएगी। चलती हूँ। पर कहाँ? कहीं ना कहीं अपना इंतजाम कर लूंगी। बेटा, तुम्हारा इंतजाम हो गया है। मेरी एक सहेली एनजीओ चलाती है, ड्राइवर तुम्हें वहां ले जाएगा, वो तुम्हारी हेल्प करेगी, ठीक है? अभी तक इन लोगों ने फोटो नहीं देखा, कुछ कर प्रिया वरना एनजीओ पार्सल हो जाएगी। प्रिया की बेवकूफी की वजह से बाबा आश्रम सब मुश्किल में है, क्या करें मम्मी? क्या हुआ, गिर गई? अरे रे 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 रे, कोई बात नहीं, आओ हम उठा देते हैं। अरे आओ ना। बदतमीज कहीं के? अरे बदतमीज का, हम तो आपकी मदद कर रहे हैं। हमें बदतमीज कह रही हो? अरे हम तो तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, फिर भी हम तुम्हारी हेल्प कर देते हैं। हाथ लगा के तो दिखाओ। हाथ और हेल्प दोनों करने की इच्छा को लापता कर देंगे। ओए होए, दिवाली चली गई लेकिन फुलझड़ी यही रह गई। ओ हेलो, हम मिश्री हैं और मिश्री फुलझड़ी नहीं, टाइम बॉम्ब है। इससे पहले कि फट जाए निकल लो यहाँ से। अच्छा, मिश्री त्योहार की मिठाई तो खा ली, पर वो क्या है ना, कभी मिश्री नहीं चाहिए।
आज चख लें क्या? चल अब ना फौरन भागते ना जरा, वरना ये जो अपने पापा के पैसे से ली हुई बाइक है ना, उस पर नहीं कदों पर बिठा कर तुम्हें थाने पहुंचाएंगे, समझे? थाने जाना ही है तो क्राइम करके ही जाएंगे ना। छोड़ो छोड़ो। बुरा नहीं है, केस में हेल्प मांग ही ले गया। गुड, अच्छा लड़े आप, वेरी नाइस। स्कूटी उठाओ और इसे घर छोड़ करो। ये स्कूटी आपको कुछ जानी पहचानी नहीं लग रही है? तुम्हें हर चीज जानी पहचानी सी लगती है, जितना बोला है उतना करो। जाओ इसे घर छोड़ के आओ, इसे स्कूटी लेकर जाना। ई गंदा है सर, मैं नहीं उठा। नहीं मेरा मतलब है टूट गई है ना, मैकेनिक बुलाते हैं वो लेके आएगा, टूटी फूटी है ना वो बना के लेके आएगा। हम बाय द टाइम इस लड़की को घर छोड़ देते हैं सर। नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं, चलो। वाह सर वाह, बहुत क्रूड इंसान है आप। अकेली लड़की सुनसान सड़क, कुछ हो गया ना किसी को मुंह दिखाने के लायक। ठीक है ठीक है, हाँ एक्सक्यूज मी, आइए हम आपको छोड़ दें। छोड़ना है आपको? मंदिर। अपना ख्याल रखना बेटा, और बिल्कुल भी परेशान मत होना क्योंकि हमने सारा इंतजाम कर दिया। टेक केयर। गेट सेट गो। किसका फोटो? ये तो मेरी फोटो है, मेरे बचपन की फोटो है। नहीं ये मेरी अनु है, ये मेरी अनु का फोटो है। आप मुझे अनु क्यों बोल रहे हैं? मेरा नाम तो प्रिया है। क्योंकि यही वो नाम है जो तेरे पापा ने तुझे दिया था। पापा?
एक काम कीजिए, दुपट्टा हटा दीजिए, आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। तुम मुंह पे कीचड़ ही लगा था, प्लास्टिक सर्जरी नहीं की थी जो पहचान ही नहीं पाई। उतरो, तुम इसी वक्त उतरो। गया अमीर बकरा। एक काम कीजिए, दुपट्टा हटा दीजिए, आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। नहीं, दुपट्टा हटा दीजिए, बहुत गंदा हो गया। तुम मुंह पे कीचड़ ही लगा था, प्लास्टिक सर्जरी नहीं की थी जो पहचान ही नहीं पाए। तुम्हारे लिए मैं उन लड़कों से लड़ा। उतरो, तुम अभी उतरो। आखिरी बार मैं तुम्हारी मदद करूं। This is the last time. इस बार भी किसने मांगी थी हेल्प? इसने बाबा का केस लिया तो पक्का हारेंगे, भाड़ में जाएं। मिश्री, मैं हमेशा तुमसे कहता था ना मेरी बेटी अन्नू के बारे में। वो वापस आ गई। ये है मेरी अन्नू। प्रिया? प्रिया आपकी अन्नू है? आपकी शादी हो गई? सर की नहीं हुई अभी तक? नहीं, मेरा मतलब है जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा था ना। ओह गॉड। हाँ शिखा, अब तक कोई लॉयर नहीं मिला। हाँ, वो वहाँ किसी अवस्थी साहब के बारे में बोल रहे थे लोग, कह रहे थे वो थोड़े अकड़ू हैं, पर मदद कर लेंगे। नहीं, सारे वकील नीम चढ़े करेले क्यों होते हैं? हाँ, बाकी की बातें हम तुझे मंदिर पहुंचकर बताते हैं। मंदिर आ गया। थैंक यू। थैंक यू बोला मुझे करेला का? नहीं, नीम चढ़ा करेला। मुझे अकड़ नहीं, कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैं अपने काम को जानता हूँ। स्टुपिड गर्ल। बढ़िया ना सर, हम चलते हैं। गाड़ी चलाइए सर। मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ, आगे आके बैठो। I'm sorry सर, वो हाय मम्मी, लाइफ का ये टेस्ट तो मैथ्स टेस्ट को भी फेल कर रहे, पर हम भी कोशिश करते रहेंगे कि फुल मार्क्स लाएं। पापा को हिम्मत देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, प्लीज। जानती हो ना, मैं और विद्या तुम्हें इसी मंदिर में लेके आया करते थे। पिछले 15 साल से मैं यहाँ आंसुओं के साथ आया हूँ, और आज अपनी बेटी के साथ। और तो सिर्फ दिया जला, मंदिर आओ, अरे बेटी मिली है तो
जरा पार्टी वार्टी दो ना, जिसमें डिजाइनर ड्रेस पहनूं, डायमंड इयररिंग्स पहनूं, कुछ अमीरी वाला फन करूं। माँ, आपकी कृपा से मेरी बेटी मुझे वापस मिल गई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सो स्वीट पापा। मिश्री तुम? मिश्री मैं हमेशा तुमसे कहता था ना मेरी बेटी अनु के बारे में, वो वापस आ गई। ये है मेरी अनु। प्रिया? प्रिया आपकी अनु है? और ये मिश्री, बस यही है जो हमेशा मुझसे कहती थी कि आप बिल्कुल परेशान ना होइए, एक ना एक दिन आपकी बेटी आपकी अनु वापस आएगी। और वही हुआ। और क्या, इतने अच्छे अंकल जी हैं, माता रानी आपकी बात कैसे नहीं सुनती। और आप दोनों को इतना खुश देख के हमें ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे हमने प्लेट भर के हलवा खा लिया हो। मैंने तुम्हारी जगह ले ली और तुम खुश हो रही हो, क्या किस्मत है। अब मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों एक ही आश्रम से हो ना, और शायद दोस्त भी। ये तो बहुत खुशी की बात है भाई। अच्छा तुम लोग आपस में बातें करो, मैं पंडित जी से मिलकर आता हूँ, ठीक है? फेस रिलैक्स कर ले मिश्री, क्योंकि इतनी फेक स्माइल दे दे के तो थक गई होगी ना। तो कैसी बात करिए प्रिया, तुझे तेरे पापा मिले हैं, इतनी अच्छी फैमिली, अच्छा घर, सब कुछ मिल गया है। हम फेक स्माइल थोड़ी देंगे, तू खुश है ना? ऑब्वियस, तो हमें भी हमारी खुशी लौटा दे, अपना बयान वापस ले ले प्लीज। तू जानती है बाबा बेकसूर है। बाबा एक मर्डरर है और ये मैंने खुद देखा है। तुम तो जानते हो कि तुम्हारी हर जीत पर हमेशा से तुम्हें आशीर्वाद देता आया हूं, लेकिन आज आज कुछ और देने आया हूं। पहचाना? सॉरी, आप ही बता दीजिए। ये वही है तुम्हारे बचपन की दोस्त, तुम्हारी अन्नू। तुम तो जानते हो कि तुम्हारी हर जीत पर हमेशा से तुम्हें आशीर्वाद देता आया हूं, लेकिन आज आज कुछ और देने आया हूं। पहचाना? सॉरी, आप ही बता दीजिए। ये वही है तुम्हारे बचपन की दोस्त, तुम्हारी अन्नू।